हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एविजन के यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम अपने पॉलिटी सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। काइंडली उसे आप देख ले, जिसमें हम सब पढ़े थे अबाउट कंपनी रूल, इम्पॉर्टेंट ईयर्स, डेट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, और जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1853। तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को उस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज जो मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा वो है क्राउन रूल। क्राउन रूल चला कब से कब तक, 1857 से लेके 1947 तक, टोटल 90 ईयर्स, ठीक है। एंड इसके बीच में जो जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड बना, उन सब के बारे में मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करता चलूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब अपना नोटबुक एंड पेन लेके रेडी हो जाएं, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता रहूँगा अदर देन दिस पर्टिकुलर नोट्स, वो आप सब काइंडली नोट डाउन करते रहें, ताकि हमारा पढ़ाई एकदम फुल फ्लेज में एंड कम्प्लीटली चलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे पहले तक हम लोग 1853 जो रेगुलेटिंग एक्ट था, आखिरी रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे। एंड आफ्टर 1853 जो सबसे मेजर चीज़ हुआ वो ये था, इन द ईयर ऑफ 1857, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपॉय म्यूटी और रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में अच्छे खासे पढ़ाई किए हुए हैं, हिस्ट्री में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को एक कंप्लीट जो नॉलेज है वो हम लोग को हिस्ट्री सब्जेक्ट से मिल जाएगा, बट इसका इम्पैक्ट हमारे गवर्नेंस पे, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस पर क्या पड़ा उसका इम्पैक्ट, वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इस कारणवश एक बहुत ही बड़ा झटका ब्रिटिश क्राउन को लगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा झटका लगा उन्हें। अब झटका से क्या क्या चेंजेस लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में, उनके द्वारा जो ऑपरेटेड कंपनी था उसके रूल एंड रेगुलेशन में क्या चेंजेस लाया गया, एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म कैसे हुआ, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो सबसे पहला एक्ट ला के हमारे सामने रखा गया है वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, ठीक है। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है भाई, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन जो थे वो कोशिश कर रहे थे एक गुड गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक आंसरेबल गवर्नमेंट इंडिया को देने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे हुआ वो हम लोग समझेंगे। इस एक्ट के तहत इंडिया में जो गवर्नर जनरल वाला पोस्ट था उसे हटा दिया गया और एक नया पोस्ट ला के रखा गया, उसे कहते हैं वाइसराय। ये जो वाइसराय होते थे वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते थे गवर्नमेंट को, एंड ये आंसरेबल होते थे टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इस पोस्ट के मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है, इस पोस्ट के व्यक्ति इंग्लैंड में रहते थे, एंड उन्हें वाइसराय जो थे, वाइसराय जो ऑफ इंडिया थे वो उन्हें रिपोर्ट करते थे। फिर ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे, ठीक है। एंड ये जो पूरा चलता था ये किनके द्वारा, ये क्राउन के द्वारा ये निकाल के रख दिया गया था, एंड फाइनल जो रिपोर्टिंग था वो टू द क्राउन ही था बाय द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। इसी एक्ट के तहत काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया एंड एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया गया। बॉडी कॉर्पोरेट वो
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो पोस्ट था जिनके लिए, तो उनका एक जो ऑफिस था उस ऑफिस को बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। एंड इस कॉर्पोरेट के माध्यम से ये रूल बना दिया गया था कि चाहे तो सरकार आप पे केस कर सकती है या आप सरकार पे केस कर सकते हो, कोई भी ऊंच नीच हो तो। तो ये सब मेन मुद्दा जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ला के, 1858 के तहत ला के हमारे पास, मतलब इंडियंस के पास रखा गया था, ठीक है। एंड यहाँ से और एक बात जो हमें ध्यान रखना है, जो फर्स्ट वाइस रॉय बने थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग साहब, ठीक है। तो जैसे ही लॉर्ड कैनिंग साहब आए वाइस रॉय बन के, उन्होंने इंडियन काउंसिल बनाया, ठीक है। मतलब अब इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसा स्कीम उनके द्वारा निकाल के रखा गया। एंड हम लोग को मेन तीन इंडियन काउंसिल एक्ट्स के बारे में पढ़ाई करनी है, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। इन तीनों के बारे में हम लोगों को थोड़ा अच्छे से जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें क्या हुआ, इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, इंडियंस पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे, उन्हें अब चांस दे दिया गया था कि वो भी जो काउंसिल्स होंगे उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है इसे। दूसरा काम जो इनके द्वारा करवाया गया था वो था डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन याद कीजिए, जब मैं आप लोगों को कंपनी रूल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया था। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता था, जैसे एक सेंटर बना दिया गया था, जो तीन प्रोविंसेस थे, प्रेसिडेंसीज थी, एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास एंड बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के जो लेजिस्लेटिव पावर थे उसे पूरा पूरी हटा के वो दे दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी को, एंड जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये सब प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी, वो था सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस। मतलब जितने सारे प्रेसिडेंसीज के अपने अपने पावर थे उनको ले लिया गया था और एक जगह पे केंद्रित कर दिया गया था, बट उसका उल्टा चीज, मतलब फिर से पावर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, किनके द्वारा, तब के तत्कालीन वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, मतलब फिर से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन चालू। ट्रांजैक्शन रूल, ऑर्डिनेंस डिसीजन बाय वाइस रॉय, मतलब जितने सारे ट्रांजैक्शन रूल्स होंगे रिगार्डिंग द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ऑर्डिनेंस रूल। ऑर्डिनेंस रूल क्या होता है, जब लेजिस्लेशन एब्सेंट रहेगा तो वो जो लेजिस्लेटिव वर्क है वुड बी परफॉर्म्ड बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, ये था ऑर्डिनेंस रूल। तो ये सब डिसीजन जो थे वाइसरॉय के द्वारा ही लिए जाने वाले थे, ये हम लोगों को बताता है कौन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद जो नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आया इन द ईयर ऑफ 1892, इसमें क्या हुआ, इसमें और भी स्ट्रोंगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। मतलब स्ट्रोंगर कैसे, वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इंडियंस, उनको मौका तो दे दिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही, बट उनका रोल को और भी स्ट्रॉन्गर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बना के रखा। स्ट्रॉन्गर कैसे, मतलब अब उन्हें बजट को डिस्कस करने के लिए अथॉरिटी दी गई एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, और रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का भी बात किया गया, एज वेल एज बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी रिकमेंडेशन रखा गया। तो हम लोग को यहाँ पे याद रखना है, स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसे कहते हैं हम लोग, या फिर ये हम लोगों को कौन से एक्ट से समझ में आता है, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत यहाँ पे इसे स्ट्रॉन्गर कैसे बनाया गया। यहाँ पे अथॉरिटी दे दी गई टू डिस्कस अबाउट द बजट एंड प्रोविंशियल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन भी
इसी एक्ट के तहत रखा गया। ओके नेक्स्ट जो एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मॉर्ले एक अलग व्यक्ति थे एंड मिंटो एक अलग व्यक्ति थे। हम लोग देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था उसके तहत वाइसराय बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। तो यहाँ पे जो मॉर्ले थे वो थे सेक्रेटरी एंड मिंटो जो थे वो थे उस समय के वाइसराय। तो इन दोनों के द्वारा जो रिफॉर्म लाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसीलिए कहा जाता है। इसमें चेंजेस क्या लाएगी? वो जो इंडियन का जो इंक्लूजन था लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसका नंबर्स बढ़ा दिया गया इसमें, मतलब इंडियंस को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स था वो 16 से इंक्रीज करके उसे 60 कर दिया गया। ठीक है, ये नंबर याद रखना है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर। मतलब यहाँ पे इंडियन का एसोसिएशन होने लगा, कहाँ पे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ गवर्नर एंड वाइसराय में। हम लोग से पहले ये इस सेंटेंस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री करने का मौका मिला, वो पहले इंडियन कौन थे? तो हम लोग को याद रखना है उन्हें, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या SP सिन्हा भी कहीं कहीं पे आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिलेगा, याद रखना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दिस एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत ही सेपरेट इलेक्टोरेट का गठन किया गया जिसमें मुस्लिम को भी एक अलग सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को ये सब बातें अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ध्यान रखना है। अभी तक जितना कुछ भी चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट? हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में हम लोग। तो यहाँ पे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया के लिए क्या हो रहा है, इंडिया के पब्लिक के लिए क्या हो रहा है। अभी तक देखो जितना सारा भी चीज़ हुआ है, चाहे वो कंपनी रूल हो, चाहे वो क्राउन रूल में अप टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 तक, एक भी काम इंडिया के लिए नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये शुरू कब हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रावधान, ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू होता है बाय द अराइवल ऑफ ग्रेट महात्मा गांधी। जैसे ही महात्मा गांधी अब आते हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया में वो आएंगे एंड वो रोड मैप दिखाते हैं, ही शोज द रोड मैप ऑफ मैप टू द इंडिपेंडेंस। ठीक है, रोड मैप दिखाते हैं इंडिपेंडेंस तक का, किन के द्वारा दिखाया जाता है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब यहां से धीरे धीरे शुरू होता है इंडिया के संवैधानिक कार्यक्रम की, मतलब जो संविधान का जो गठन होने वाला जो प्रोसीजर है अब वो शुरू होगा। एंड इस चैप्टर में हम लोग वो ख़त्म करके अगले दिन के जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पूरा पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई करना चालू करेंगे। तो आज तक हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलेगा। अब जैसे ही महात्मा गांधी का आगमन हुआ भारत में, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से शुरू होता है। क्या क्या होता है, कैसे कैसे ये चलता है, ये सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला एक्ट आता है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसे मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। यहाँ पे ये दोनों ही नाम दो अलग अलग व्यक्ति के हैं। एक जो पहला आप नाम देख पा रहे हो मॉन्टैग, ये थे उस समय के सेक्रेटरी, एंड चेम्सफोर्ड उस समय के वाइसराय।
तो इनके द्वारा जो रिफॉर्म ला के रखा गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे कहा गया मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसके माध्यम में क्या क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। वो जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था ये उसे और एम्पावर कर रहे हैं। कैसे? जो सेंट्रल का जो कंट्रोल था ओवर प्रोविंसेस उसे और भी थोड़ा कम करते हुए, मतलब उसे सब्जेक्ट में बांट के, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट में बांट के डिसेंट्रलाइज करने का जो प्रावधान था उसे और भी स्ट्रोंगर बनाया गया। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इंटू टू पार्ट्स। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते थे उसे दो भाग में बांटा गया, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहलाया एंड दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट कहलाया। एंड इसी माध्यम से डुअल पॉलिटी जिसे डायरची का शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत ही हुआ। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ये जो यूपीएससी का नाम सुनते हो अभी आप लोग, ये यूपीएससी का गठन किस एक्ट के तहत हुआ है अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम लोग को ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में, एंड इन द ईयर ऑफ 1926 में इसके लिए कमीशन सेटअप कर दिया गया था। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जो थे, जो उनके काम होते थे, उसमें से कुछ काम हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जिसका ऑफिस लंदन में बनाया गया उन्हें सौंप दिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम लोग मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पता होना चाहिए, एंड डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर 75% जो रैनसेकिंग है वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही है। और भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा गया था एंड वहाँ से भी रैनसेक किया गया था बहुत सारे टॉपिक्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करने के लिए। इसी कारणवश अ बैग ऑफ बोरोइंग भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, जो कि मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। आइए अब हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज लेफ्ट बाई दिस एक्ट, जो मैं आप लोग को बताया कि 75% अप्रोक्सीमेटली लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ही। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट एज द यूनिट। मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा कराया गया, जिसमें प्रोविंसेस को एंड प्रिंसली स्टेट्स को एज अ यूनिट कंसिडर किया गया। इट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस इन टर्म्स ऑफ थ्री लिस्ट, नेमली द फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। अभी जो हमारा तीन लिस्ट है, इसका शुरुआत कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का गठन इसी के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही किया गया था। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का गठन, मतलब एस्टैब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही हुआ। इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस। बाइकैमरलिज्म मतलब दो हाउसेस के प्रावधान को शुरू किया गया अमंग द सिक्स, इन द सिक्स अमंग द 11 प्रोविंसेस। वो छह प्रोविंसेस कौन कौन से थे? असम,
बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस. यूनाइटेड प्रोविंसेस अभी प्रेजेंटली यूपी के पार्ट वाला जो रीजन है उसे कहा जाता है. तो बाइकैमरलिज्म भी शुरुआत हुआ. बाइकैमरलिज्म वही लोकसभा एंड राज्यसभा जो दो हाउसेस का प्रावधान है वो चीज़ जो हम लोग इसी सीरीज में जब हम लोग लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट लाया गया हमारे पास वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. एंड ये आखिरी एक्ट था. इसके बाद कोई भी एक्ट नहीं आया. फिर हमारा संविधान ही सर्वोपरि रहा एंड संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलता रहा. एंड संविधान के अकॉर्डिंग देश कैसा चलता है, क्या क्या चीज़ है, प्रोविजंस क्या है, इन सब के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा हमारे इसी सीरीज़ के अलग वीडियोस में. ठीक है, उससे पहले हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में जो जो बातें हम लोग को जाननी चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम ऑगस्ट 15, 1947. इसी एक्ट के तहत भारत को ब्रिटिश रूल से आज़ादी वाला अनाउंसमेंट मिला. बताया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि अब इंडिया आज़ाद हो जाएगा एंड वो सॉवरेन स्टेट बन जाएगा. सॉवरेन स्टेट मतलब जहाँ पे वो अपने डिसीजन खुद से ले सकता है, ऐसा वो बन जाएगा फ्रॉम द ऑगस्ट 15, 1947. ये डिक्लेरेशन किया गया था किसके माध्यम से, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से. इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया का पार्टीशन भी इसी एक्ट के तहत हुआ जिसमें दो नया डोमिनियन बना, एक इंडिया और एक पाकिस्तान. इट एबोलिस्ड ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन गवर्नर जनरल. मतलब वो जो 1858 के तहत जो पोस्ट बना था वाइसरॉय ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल को हटा के, तो इस एक्ट के तहत वो जो वाइसराय बनाया गया था उस पोस्ट को हटा दिया गया एंड जो दो डोमिनियन बने थे इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल का पोस्ट दे दिया गया. ठीक है, इट एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स. इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये बनाया ऑफिस एंड उसके फंक्शंस जो है ट्रांसफ़र कर दिए किन्हें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स उन्हें. इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज एनफोर्स्ड. मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो दो डोमिनियंस बने थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एज अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने अपने डोमिनियन को संभालेंगे. ठीक है, ऐसा कहा गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत. और ये था हमारा आखिरी एक्ट. इसके बाद हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मूव करेंगे एंड हम लोग पूरा पूरी फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने की कोशिश करेंगे. आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में वो बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे चैनल में जो जो अपलोड होते हैं. एंड अपने दोस्तों से भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं अगले वीडियोज़ में.